राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके इस दौरे से प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। राजस्थान में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया गया है, इस कारण गहलोत के दिल्ली दौरे को अहम माना जा रहा है। राजस्थान की सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अशोक गहलोत ने भी अपने दौरे को कांग्रेस की न्याय यात्रा से जुड़ा बताया है। न्याय यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि जो हालात देश में बन चुके हैं, न्याय मिलने तक यात्रा रहे हर गांव में, हर घर में, हर प्रदेश में, ये माहौल बनना चाहिए। चाहे यात्रा किसी भी रूप में हो, पर यात्रा का मतलब लोगों की भावनाएं पब्लिक में आती रहनी चाहिए। किस प्रकार से अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, साथ में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं का अत्याचार है, राहुल गांधी जी प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, ये एक ऐसा अवसर है जो मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत कामयाब रहे, सफल रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गहलोत के दिल्ली दौरे से सियासी सरगर्मियां बढ़ी, नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर बनेगी बात, गहलोत और पायलट दोनों ही दौड़ से बाहर, डोटासरा का नाम अब आगे चल पड़ा है। पूर्व सीएम ने एक बयान में कहा कि वे आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से फिर वे कांग्रेस हाईकमान के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें, कांग्रेस 14 जनवरी को इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है। यह यात्रा 15 राज्यों से होते हुए कुल 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। शुक्रवार को राहुल गांधी ने इस यात्रा से जुड़ा एक गीत का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा, हम पहुंचेंगे हर घर तक न्याय का हक मिलने तक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल दिल्ली की केंद्रीय समितियों में शामिल है, जो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में साफ है कि अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं होंगे। वहीं सचिन पायलट के करीबों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं आना चाहते। फिलहाल सचिन पायलट को कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में वो ये समय नहीं दे पाएंगे। ऐसे में गहलोत ये जोर लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं दिल्ली में पायलट का प्रभाव भी कम किया जाए और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऐसे नेता को आगे लाया जाए जो उनके गुट का हो। ऐसे में गहलोत ने बयान देकर स्थिति को साफ किया है, लेकिन फिर भी चर्चाओं का दौर जारी है और उनमें गुटबाजी की चर्चा भी सामने आ रही है।